नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं लक्ष्मी पाटोदिया जोधपुर से बेसन की भरवा मिर्ची बना रही हूँ माँ बेटी रसोई में। हम मोटी वाली हरी मिर्ची लेंगे, उनको धो के और जीरा लगाएंगे। हम गैस पे रखेंगे कढ़ाई, उसमें स्टफिंग बना लेंगे। एक कटोरी बेसन डाला है, इसको सेकेंगे। बिल्कुल धीमी आंच पे, फिर इसमें मसाला डालेंगे। नमक, मिर्च लो फ्लेम पे इसलिए सेकेंगे कि हमारा बेसन जले ना। बेसन हमारा हल्का हल्का सिकने लग गया है, थोड़ी सी देर में ये सिक जाता है। बेसन हमारा सिक गया है, अब हम इसको मसाला तैयार करेंगे। मिर्ची का, हल्दी, धनिया, लाल मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार, खटाई के लिए अमचूर, नया टेस्ट देने के लिए रेड चिल्ली पेस्ट डालेंगे। अब सभी चीजों को मिक्स करेंगे और जीरा लगाया और उसको मसाले से भरे, अपनी पसंद के अनुसार भरे। अब कढ़ाई को आंच पे रख दिया और उसमें क्वांटिटी के अनुसार तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म करेंगे, उसमें हींग, सौंफ, जीरा डालेंगे। इन तीनों चीजों से भरवा मिर्ची का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। सभी मिर्ची को हम इसी प्रकार भरेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया, इसमें डालेंगे सौंफ, जीरा और हींग। टेस्ट बनाने के लिए हींग टेस्ट बढ़ता है और पेट भी ठीक रहता है। धीरे धीरे डाल, हमारा तड़क गया है। अब इसमें डालेंगे मिर्ची। मिर्चों को थोड़ी देर हिला के और थोड़ी देर के 2 मिनट के लिए कवर करके और ढक के रख देंगे। मिर्च को 5 मिनट हो गए पकते हुए। अब इसमें बचा हुआ जो मसाला था वो ऐड करेंगे और फिर 2 मिनट के लिए सेक देंगे, मसाला भी सिक जाए। हमारी मिर्चे बनके तैयार हो गई है, अब हम करेंगे सर्व। मिर्ची बनके तैयार हो गई है, हमारी मिर्ची बहुत ही अच्छी बनी है, खाने में टेस्टी है। अब टेस्ट करेंगे, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा हमारी ये भरवा मिर्ची कैसी लगी।